कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने अनूपपुर जिले को कोरोना से मुक्त करने के लिए 4 अप्रैल को कर्फ्यू लगाया है, जहां दोपहिया और चार पहिया वाहन, सब्जी, राशन सहित आम जन की सभी सेवाएं बंद रहेंगी। आम जन को बाहर निकलना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। कर्फ्यू के दौरान नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत के द्वारा सार्वजनिक स्थलों को सैनिटाइज करने का कार्य भी किया जाएगा। कर्फ्यू को लेकर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष के विशेष बैठक में कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने सभी धर्मगुरुओं और धर्म के प्रतिनिधियों तथा जिम्मेदारों से शासन के निर्देशों का पालन करने में सहयोग मांगा है। निजामुद्दीन मरकज घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि सभी धर्म पंथ के लिए एक जिम्मेदार आचरण जरूरी है। छोटी सी लापरवाही बड़े खतरे को ला सकती है, इसलिए किसी भी तरह के आयोजन और किसी भी धर्म के द्वारा न किए जाएं। गुरुद्वारा परिसर में कोरोना को लेकर जो हम लोगों ने रोक लगाई है, हम सब लोगों को मिलकर रोक लगाना है और गुरुद्वारा में किसी भी व्यक्तियों को आने की अनुमति 14 तारीख तक के लिए नहीं है। आप लोग सब इसमें सहयोग दें, यही हमारी आपसे आशा और उम्मीद है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिदों में ना आए, 2-4 लोग ही लोग मस्जिद में रहें और इबादत करें, बाकी सब लोग अपने घरों में इबादत करें। और जो कल हमारे अनूपपुर में कर्फ्यू लगाया जा रहा है, उसका हम लोग सब लोग सहयोग करें। कोई भी बंदा घर से ना निकले, हम अपने आप कोरोना से जीत जाएंगे। लिहाजा मैं सभी भाइयों से अपील कर रहा हूँ कि जो भी बंधन किया गया है वो अच्छे के लिए किया गया है। लिहाजा आप सभी भाइयों से गुजारिश है कि अपना जो भी मजहब कानून और नमाज जो पाबंदी रखी गई है वो आप लोग हिफाजत के लिए रखी गई है। लिहाजा आप लोग मस्जिद में ज़्यादा इकट्ठा ना हो और जो भी त्यौहार मनाया जाए वो सादगी से मनाया जाए और जो भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो अपने घर में नमाज पढ़ें और इबादत करें, इससे बेहतर और कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। लिहाजा आप सभी भाइयों से मेरी गुजारिश है कि आप इस कानून को अमल करें। जब हम कुछ दिन के लिए उनके शासन प्रशासनों के कर्तव्यों का पालन करेंगे, यह हमारे आने वाले समयों के लिए बहुत मेधावी होगा और इसके लिए हम भरसक प्रयास करें कि कोई यज्ञ अनुष्ठान साथ में न करें, यज्ञ धार्मिक क्रिया साथ में न करें और जो भी करना हो घर में करें। गरीबों को देखें, उनका पालन सुचारू रूप से करें और जहां भी जाएं तो उनको यही सुझाव करते जाएं कि हम थोड़ा दूर बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और अपने आप में जब हम स्वयं साक्ष स्वरूप में समर्पित भाव में रहेंगे तो हमारे देश का और हमारा, हमारे पड़ोस का, हमारे घर का कल्याण होगा। कैथलिक चर्च के अनूपपुर पल्लीवासियों से मेरा अनुरोध है कि प्रशासन द्वारा लागू किए गए सारे नियमों का कड़ाई से पालन करें। कल जो 4 तारीख अनूपपुर में जीरो मूवमेंट का जो अनुरोध किया गया है, इसमें आप सक्रिय होकर भाग लें और कोई भी अपने घरों से बाहर ना निकले। ईस्टर से संबंधित सभी कार्यक्रम बिशप स्वामी के द्वारा स्थगित कर दिए गए हैं। आपको चर्च कैंपस तक आने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने अपने घरों में रह करके प्रार्थना करें। चर्च में सिर्फ पुरोहित और सिस्टरगण ही उपस्थित होंगे और इसके अलावा और कोई चर्च कैंपस में ना आए। आप सभी से मेरा अनुरोध यही है कि कोरोना को रोकने के लिए जो भी प्रयास किया गया है उसमें आप सक्रिय भाग लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।